गुजरात के भुज जिले में रतलाम के निवासी कसेरा दंपत्ति से लाखों रुपए की नकली नोट मिलने के बाद रतलाम पुलिस भी हरकत में आई और गुरुवार की देर शाम को पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देश पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने टीम गठित कर आरोपी राहुल कसेरा के निवास स्थान कसेरा बाजार में दबिश दी। राहुल के परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर घर उस कमरे की तलाशी ली गई जहां राहुल और उसकी पत्नी रहते थे। कमरे की तलाशी में HP का लैपटॉप बरामद हुआ। लैपटॉप के नीचे 2000 रुपए के 14 नकली नोट और 500 रुपए के नकली नोट, इस प्रकार 33,000 के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति के कमरे से नकली नोट तैयार करने की सामग्री, कलर प्रिंटर, पेन ड्राइव इत्यादि के सामान, सोने के गहने भी उस कमरे से जब्त किए। पुलिस टीम से राहुल के कसेरा बाजार स्थित घर की तलाशी लेने के साथ संत नगर स्थित उसके गोदाम की भी तलाशी ली और दोनों स्थानों को सील कर दिया गया। आरोपी राहुल और उसकी पत्नी मेघा के विरुद्ध माड़क चौक पुलिस थाने पर 489A, 489C व 489D के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। SP गौरव तिवारी ने बताया कि अब तक रतलाम पुलिस का गुजरात पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ है। रतलाम पुलिस शीघ्र ही गुजरात पुलिस से संपर्क करेगी और रतलाम पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए रतलाम भी लाएगी। बता दें कि गुरुवार को यह जानकारी सामने आई थी कि गुजरात के भुज में रतलाम के राहुल कसेरा व उसकी पत्नी को गुजरात पुलिस ने लाखों रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी भी सामने आई थी कि कसेरा दंपत्ति ने नकली नोट से भुज में मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खरीदी की थी। पकड़े जाने पर राहुल के पास से एक पत्रकार संघ का रवि गुप्ता के नाम का एक फर्जी परिचय पत्र भी प्राप्त हुआ था। यह खबर सामने आने के बाद ही रतलाम पुलिस सक्रिय हुई थी। विंध्य किरण के लिए रतलाम से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। राहुल पिता कृष्ण गोपाल कसेरा और उनकी पत्नी मेघा कसेरा को गुजरात पुलिस ने भुज में नकली नोट के साथ पकड़ा है। इस मामले को देखते हुए पहले तो वहाँ पर जब ये पकड़े गए थे तो उन्होंने अपना नाम अलग बताया था। बाद में लोकल हम लोगों ने बीच में टीम बनाकर तलाश किया और इसमें CSP रतलाम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इन लोगों ने आदमी को ट्रैक किया। राहुल कसेरा नामक व्यक्ति कसेरा बाजार का रहने वाला है। उसके बेसिस पर इन लोगों ने जब वहाँ तबीज देखी, इसके घर की तलाशी ली, तो इसके घर से कई सारी चीज़ें ऐसी मिली जो संदिग्ध हैं, जैसे इनके घर पर प्रिंटर और कंप्यूटर और सॉफ्ट पेन ड्राइव में नोट के सॉफ्ट इमेजेस और लगभग 33,000 रुपये के नकली नोट मिले हैं जो 2,000 और 5,000 के डिनोमिनेट 500 के डिनोमिनेशन में है। इसके अलावा इनके हाथ से नोट काउंट करने की मशीन और नोट पे जो सीरियल नंबर लिखाते हैं वो भी प्रिंट करने की मशीन, प्लस इसके अलावा इनके पास से ब्लैंक पेजेस जो कि है तो A4 साइज़ की लेकिन उनका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है नोट के बराबर के हैं, ठीक है, उस तरह के पेजेस इनके पास से मिले हैं लगभग 1,000 की संख्या में। इसके अलावा वाटर मार्क लगाने के स्टैम्प पैड नंबर छापने वाली थी, प्लस पेपर को पेपर कटिंग मशीन मिले हैं इनके पास से, नोट गिनने की मशीन मिली है। इसके अलावा सोने के आभूषण जो है लगभग 920 ग्राम सोने के आभूषण है और लगभग 1.5 किलो की चांदी के आभूषण है। इन चीज़ों को पुलिस ने जब्त किया और इनके खिलाफ थाना माड़क चौक में अपराध क्रमांक 105/21 धारा 489A, 489C और 489D IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। राहुल कसेरा और मेघा कसेरा के खिलाफ ये दोनों ही गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इनको बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे प्रोडक्शन वारंट पे और इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। तो अभी तक तो दो ही लोग को आरोपी बनाया हम लोगों ने, लेकिन भविष्य में अगर विचना के दौरान तथ्य आते हैं तो और अन्य लोगों को आरोपी बनाया जाएगा।